हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुझे आपण मानी आसी गणेश पूजा स्पेशल रसभरा स्वीट बुंदी। आपण मन को आशा करेसीपी बहुत भल लगे। जदि यही परफेक्ट बुंदी बनवाई चाहते तेल भिडियो को शेष पर्यटन निहत देखु। एबे आपण को मो पाखर देखौछि बुंदी केते आमर सीरा को ऑब्जर्व करिछि केते सुंदर भावरे बुंदी आमर हेछि। ताले वीडियोटी आपण जदि भल लागिवो ताले सियोर मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ पाखरे थिबा बेल आइकन को निश्चय प्रेस करंतु। चलंतु फ्रेंड बनेबा आजर रेसिपी स्वीट बुंदी। मोइटी गोटे बाउल नेछि आ बाउल रे मोइटी गोटे कप बेसन नेछि। एबे से बेसन को आमे आस्ते आस्ते पानी देकी एमती गोटे ह्विस्कर साहाज्य आपण ताको बीट करेंगे। एकटा थे बहुत गुड़ाए पानी देवेनि, आपण एमती आस्ते आस्ते करिकी पानी देकी आपण घांटिबे। आपण जदि एका थे पानी दे देबे आपण को बैटरटा बहुत पानिया हो जिवो, आपण को बुंदी खराब हो जिवो, आ यदि अधिक मोटा भी होगला आपण को बैटर ताहले भी बुंदी भल हेबनी। ताहले आस्ते आस्ते पानी देकी आपण एइभली घांटिबे। मत ये केते पानी यूज कली मुटा मुझे लास्ट को कहि एबरे मु गोटे चामच तेल को दौचे। तेल दबा द्वारा आमर बैटरटा स्मूथ बनब आ बुंदी भी भल बन। एबू बैटर में मत पा लगला गोटे कप जेहेतु बेसन दे मत वन थर्ड कप ये पा लगे। पूरा पूरी बैटर को भल भाव एमती घाटी सारापर मुठी गोटे पिंच फूड कलर दौचे। यहाँ पूरा पूरी ऑप्शनल अच्छी, आप चाहिए दे पारे न दे पारे। यहाँ देले आमर बुंदीटा सुंदर बनब। देखु आर कनसीस्टेन्सीटा ये रहा दरकार। आपण ऊपर तलू जो पकेबे आपणकर बैटरटा मझेर बिल्कुल भी ब्रेक होनी, जानवे आपण बैटर परफेक्ट बनी। मुझे घोड़े रखिदे कि समय एबे चलंतु चासनी बनेबा। मुंडी चासनी पाई गोटे जागा नहीं ची आउ सही जागरे मु गोटे कप एटी पानी देची आउ सही कप रे मु एटी गोटे कप चीनी दौची। आपणकर बेसन जति के अमाउंट रो चीनी सेति के अमाउंट रो आउ पानी भी सेति के अमाउंट रो ए सब को टिके घांटीबा। एबे आम को एटी मोटा सीरा बनेबार नाही, पतला सीरा बनेबा। एटी मु गुजराती दीटा को गुंडा करके एटी पकोउची। एटी मु चारमगज रखी गोटे चामच ताको एटी दूची। आपण चाहिए ये काजू पिस्ता बादाम भी दे पारे। आमर देखा चासनी केमती हवा दरकार। देखु आप दुईटा टीपरे चासनी को लेकिन देखिए आपन को चिपचिपा लगे, जमती कि महु लगे आपण हाथ को बा तेल लगे। तो से भाया आपन को चासनी लगे आपड़ जानवे जे आपण चासनी पूरा परफेक्ट होती। मु हाफ चामच लेंबू रस दौची जहाँफल कि आमर चीनीटा क्रिस्टलाइज हेनी आल भाव बुंदी को सोक कर। एबे चलंतु बैटर देखिबा। एटी को 15-20 मिनट आम बैटर रही मुझे घांटुची। तापर एटी मु दुई पिंच बेकिंग सोडा एटी पकोची। आकु भी भल भाव मिसाई देवा बेकिंग सोडा को बैटर सहित। एबे चलंतु छाणीबा। एटी मु गोटे कड़ाई रे तेल नेइची आ चेक करबा प्रथमे जे आम तेल परफेक्ट गरम होबा दरकार। मुटी दुईटा ड्रॉप पके के देखिली जे आपर ड्र बेसन रैटरटा पड़ला परे से ऊपर को फुलिकी उठला, जानवा आमर तेल परफेक्ट गरम होपण घर। तो यही जाली निहाती थी तो आपण ये बन पारे। मुटी गोटे जाली नहीं देखु बैटर को प्रथम चारि सैड्रे ढाली आपरे मझे ढाली। आपड़ डायरेक्ट जदि मझे ढालीदे आपण बुंदी मझे पड़ो आ बुंदी उपरे उपरे सब पड़ी लगिज आपण बुंदी परफेक्ट बनबनी। देखु मु बिल्कुल भी सेक करूनी, अल्प अल्प टिके टिके सेक करूची जो थे आम बुंदीटा बढ़िया भाव तल को पड़ू। केते सुंदर बुंदी आमर ये बनुची। आस्ते आस्ते सेक करबे, बिल्कुल भी जोर से सेक करबा दरकार नहीं, ता ऑटोमेटिक जितकी एठी पड़िबो। देखंतु केते परफेक्ट बुंदी हिची। एबे आमे बुंदी को छाणी देबा। बास एबे हेई गला।
आमे बुंदी को एभली टी क्रिस्पी हेला पर्यंत छाणीबा। मु एबे सब बुंदी को काढ़ी नौ गोटे प्लेट को पुणी आउ थे मुझे बैटर को देवी। बैटर देवा पूर्व आपण जाली चट्टा पूरा क्लीन थी दरकार। तापर जाके आप बैटर पकेबे आस्ते आस्ते करके बैटर उपर ढाले से सरलापर बैटरटा पूरा जाली चट्टा सरलापर पुणी आउ थे बैटर पकेबे। यही कर बुंदी को छाणी देखु ये भी होगा आपको भी काढ़ी नवा। देखु केते परफेक्ट बुंदी बनी आमर एवं सबू बुंदी को मुझे ये काढ़ी ने देखु मुझे जो चाशनी बनई थी ये हालका गरम अच्छी पूरा थंडार आपड़ बुंदी पकईबे हालका गरम थी आपड़ से ही समय बुंदी को चाशनी में पकईबे। मुझे बुंदी गुड़ाक सब चाशनी में पकाऊँ ए घाटी देवी एम भल भाव मिसाईदेलापर मुझे दुई घंटापाई यही भाला कभर करके रखने जहाद्वारा कि आम बुंदी पूरा पूरी चीनी सीरा को सोक कर नब आम बुंदी भितर पूरा रस भरी रही। दुई घंटा पर देखा आम बुंदी केमती बनीचे। आमर सीरा पूरा पूरी बुंदी को भल भाव सोक कर नहींच्छी देखते पूरा मोती भाया देखा जामर बुंदी परफेक्ट बुंदी बनी ताले आशा करपण बुंदी भी यही बन पूरा मोर दे टिप्स को पूरा पूरी फॉलो करूँ। ताले आजपाई मुझे रोचे तो रही पूर्व गोटे रिक्वेस्ट प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ आउ लाइक शेयर निश्चय करूँ। आज रही बाय बाय टेक केयर नमस्कार।